हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था, और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पंडित ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशन अनुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है, और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ा स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला, जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरी को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है, और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं, और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है, और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की, और रोटेन टमाटो की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी
ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्होंने उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पंडित ने कहा, अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पेशरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुप्री और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पंडित ने कहा, अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है।
वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर है और उसकी पत्नी हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर है खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है। वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है। और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जल्दी की तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनीत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेसरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर है और उसकी पत्नी हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर है खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे
पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है। और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करते हैं। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जय डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी सारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी सारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पंडित ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ा स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी सारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं, और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है। और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करते हैं। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जय डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी।
यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था, और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है, और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरी को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं, और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है, और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की, और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पेशरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में,
और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्होंने उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पंडित ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर जुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है लेकिन तभी चौटाला अपनी पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड यूजर्स 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पेशरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुप्री और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पंडित ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली
कॉन्स्पेक्टर जुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर है और उसकी पत्नी हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर है खोज रहे होते हैं बबलीधारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की जेड डेली तरफ से 10 आउट ऑफ 3.4 की और रोटेन टमाटो से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेसरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर जुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर है और उसकी पत्नी हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर है खोज रहे होते हैं बबलीधारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी
वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की, और रोटेन टमाटो की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। लो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में, जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी सारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी सारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था, और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे पंडित ने कहा। अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है, और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ा स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी सारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है, और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं, और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है, और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करते हैं। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की, और रोटेन टमाटो की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। लो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में, जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी सारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी सारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल
चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पंडित ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर है और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर है खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरी को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सामना उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को। यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की बात करने वाले हैं मैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था PSRM जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप PSRM मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पंडित ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था।
इसके सारे गाने अभी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर है और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर है खोज रहे होते हैं बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनीत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुप्री और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर है और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर है खोज रहे होते हैं बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे का
पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है। और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था PSRM जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह कि एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप PSRM मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेता इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर, हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्रवती राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो PSRM का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं, और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है। और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था PSRM जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह कि एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप PSRM मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी।
यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था, और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है, और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ा स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं, और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है, और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करते हैं। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली Android 3.5 की, जेडली तरफ से 10.4 की, और रोटेन टमाटो की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पेशरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में,
और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर है और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर है खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरी को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सामना उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पेशरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल रीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है।
वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा हैं से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड यूज़ 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुप्री और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14/2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26/2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा हैं से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका
सामना उनकी उनसे होता है। और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है। लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेडी की तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटोज से 14% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज के दिन बात करने वाले हैं मैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था PS-RAM जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप PS-RAM मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेता इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो PS-RAM का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है। और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है। लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेडी की तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटोज से 14% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज के दिन बात करने वाले हैं मैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था PS-RAM जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप PS-RAM मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेता इसमें
वीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणबीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर, हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देश अनुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ा स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणबीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करते हैं। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली आउट ऑफ 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10 out of 3.4 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था बेशरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप बेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत्री इसमें रणबीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणबीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर, हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देश अनुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है।
साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें की थोड़ी स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर जुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरी को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था बेशरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप बेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें की थोड़ी स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर जुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरी को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा
चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच घुस जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है। और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज के दिन बात करने वाले हैं मैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में, जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था PSRM, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप PSRM मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी सारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी सारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुप्री और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्होंने उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो PSRM का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी सारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच घुस जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है। और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों आज के दिन बात करने वाले हैं मैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में, जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था PSRM, जो कि दोस्तों 2000
2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशर मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनीत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर, हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्रवाल राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था, और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा, अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है, और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं, और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है, और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेडी की तरफ से 10/3.4 की, और रोटेन टमाटो की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पेशरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनीत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्रवाल राजा के रूप में,
और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पंडित ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ा स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करते हैं। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली Rotten Tomatoes 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10 out of 3.4 की और Rotten Tomatoes की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पेशरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनीत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पंडित ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ा स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है।
वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा हैं से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरी को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा हैं से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरी को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनसे होता है
और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यहीं सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनीत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी सारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी सारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुप्री और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी सारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब मुझे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यहीं सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनीत इसमें
वीर कपूर और पल्लवी सारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणबीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी सारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्रवाल राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्होंने उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणबीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी सारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करते हैं। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पेशरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनेत्री इसमें रणबीर कपूर और पल्लवी सारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणबीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी सारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्रवाल राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है।
साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें की थोड़ी बहुत स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर है और उसकी पत्नी हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर है खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करते हैं। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली Rotten Tomatoes 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10 out of 3.4 की और Rotten Tomatoes की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था बेशरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप बेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनीत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें की थोड़ी बहुत स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर है और उसकी पत्नी हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर है खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा
चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं। और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनसे होता है। और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था PSRM जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप PSRM मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो PSRM का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनसे होता है। और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था PSRM जो कि दोस्तों 2000
2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशर मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनीत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुप्री और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में, और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है, और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं, और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है, और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की, और रोटेन टमाटो से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पेशरम, जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप, और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने, और अभिनीत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में, और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण, और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुप्री और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में, और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में, और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में,
और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्होंने उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंडट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंडट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंडट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करते हैं। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यहीं देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेडी की तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पेशरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहां इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्रहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंडट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंडट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल, निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंडट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली
कॉन्स्पेक्टर जुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं बबलीधारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सामना उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करते हैं। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की जल्दी दिल्ली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो की तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं मैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पियसरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पियसरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली कॉन्स्पेक्टर जुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सामना उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी
वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था PSRM जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप PSRM मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल, चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुपरी और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्होंने उन्हें फिल्म के साउंड ट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पंडित ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो PSRM का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों पर के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसके अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं। बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो तरफ से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था PSRM जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप PSRM मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यह 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी, जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनेत्री इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों, बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कॉन्स्टेबल
बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुप्री और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्होंने उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों के माध्यम से रिलीज हुआ था। इसके सारे गाने अभी आपको YouTube पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें थोड़ी स्टोरी की तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं एक छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसकी पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं लेकिन उनका सामना उनकी उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है लेकिन तभी चौटाला अपने पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को। यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की जेड डेली तरफ से 10/3.4 की और रोटेन टमाटो से 14% की रेटिंग मिली हुई है। हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि दोस्तों आई थी 2013 में। दोस्तों इस मूवी का नाम था पेशरम जो कि दोस्तों 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी टाइप की फिल्म थी। यदि आपको एक्शन कॉमेडी टाइप की मूवी देखना पसंद है तो आप पेशरम मूवी को देख सकते हैं, ये आपको बेहद ही पसंद आएगी। यार 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी जहाँ इसकी टोटल लंबाई 142 मिनट की थी और बजट था सिर्फ 83 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 102.85 करोड़ तक की कमाई की थी। इस मूवी के डायरेक्टर यानी निर्देशक थे अभिनव कश्यप और इस मूवी को लिखा अभिनव कश्यप और राजीव बरनवाल ने था। उत्पादित किया था हिमांशु मेहरा और संजीव गुप्ता ने और अभिनीत इसमें रणवीर कपूर और पल्लवी शारदा जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की बात करें दोस्तों बबली चौटाला के रूप में रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं, पल्लवी शारदा तारा शर्मा के रूप में इंस्पेक्टर चुलबुल चौटाला के रूप में ऋषि कपूर और नीतू कपूर हेड कांस्टेबल बुलबुल चौटाला के रूप में और भीम सिंह चंदेल के रूप में जावेद जाफरी और अमितोष नागपाल टीटू के रूप में और भीम सिंह चंदेल के दाहिने हाथ के रूप में प्रेरण नारायण और तारा की माँ श्रीमती शर्मा के रूप में आपको हिमानी सुप्री और कमल करी ड्रग सप्लायर के रूप में और कुणाल अग्रवाल गंजा के रूप में और गौतम अग्निहोत्री राजा के रूप में और भी कई सारे लोग देखने को मिलते हैं आपको सहायक कलाकारों में। इस मूवी के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो फिल्म संगीतकार ललित पांडे ने पुष्टि की थी कि उन्हें फिल्म के साउंडट्रैक पर काम करने के लिए कहा गया था और उनमें 6 ट्रैक शामिल होंगे। पांडे ने कहा अभी कहा था निर्देशक कश्यप के निर्देशानुसार फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरणों में संगीत पूरा हो गया है। साउंड ट्रैक की बात करें तो बेशरम का साउंड ट्रैक मशहूर जतिन ललित जोड़ी के ललित पंडित द्वारा रचित है और गीत राजीव बरनवाल निकित खान और हिमांशु किशन मेहरा द्वारा लिखे गए थे। मूल रूप से 14 अगस्त 2013 को रिलीज होने वाला साउंड ट्रैक 26 अगस्त 2013 को CD पर MP3 साइटों के माध्यम से रिलीज हुआ था।
इसके सारे गाने अभी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की थोड़ी बहुत स्टोरी की, तो स्टोरी में देखने को मिलता है बबली चौटाला जो कि रणवीर कपूर होते हैं, छोटा मोटा कार चोर होता है जो अनाथालय में पला बड़ा होता है और अपने जानने वाले हर किसी को आकर्षित करने में कामयाब होता है। वह तारा शर्मा जो कि पल्लवी शारदा है से प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसकी मुलाकात एक शादी में हुई थी, लेकिन वह पुष्टि के रूप में उसके पसंद का नहीं है। जब वह उसके साथ ज़्यादा चालाकी करने की वजह से करता है तो वह उसका अपमान करती है। उसी समय बबली को इंस्पेक्टर बुलबुल चौटाला जो कि ऋषि कपूर हैं और उसकी पत्नी हेड कॉन्स्टेबल बुलबुल चौटाला जो कि नीतू कपूर हैं खोज रहे होते हैं बबली तारा के ऑफिस के बाहर से एक कार चुराता है और उसे हवाला किंग भीम से सिंह चंदेल जो कि जावेद जाफरियों को भेज देता है। जब उसे पता चलता है कि कार तारा की है तो वह उसे गुंडे से कार वापस लेने के लिए चंडीगढ़ चलने के लिए कहता है और वह उसके साथ जाने के लिए सहमत भी हो जाती है। बाद में बबली और तारा चंदेल से कार चुरा कर वापस दिल्ली भाग जाते हैं और साथ ही लौटते समय उन्हें चंदेल की कार में हवाला के पैसे से भरा एक बैग भी मिलता है। बबली पैसे को अपने अनाथालय के लिए रखने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चुलबुल और उलबुल चौटाला द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तारा बबली को सारे पैसे देकर मुक्त करवा लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदेल ने उन्हें ढूंढ लिया है और अनाथालय के सभी बच्चों का अपहरण कर लिया है। अब बबली और तारा पैसे वापस चुराने के लिए चौटाला दंपति के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सामना उनसे होता है और पूरी कहानी जानने के बाद चौटाला दंपति मदद करने के लिए फैसला करती है। बबली और सारे पैसे लेकर अंदर जाती है और चंदेल से सभी बच्चों को छुड़ाने के लिए बातचीत करती है, लेकिन तभी चौटाला अपनी पुलिस बल के साथ अंदर घुस जाता है और सभी वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। तो यही देखने को मिलता है कि कैसे वह बचाता है सभी बच्चों को, यही सब मूवी में आपको देखने को मिलता है। कुल मिलाकर मूवी दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को देखना चाहते हो तो कई जगह पर देख सकते हैं। इसमें रेटिंग मिली एंड 3.5 की, जेड डेली तरफ से 10 आउट ऑफ 3.4 की और रोटेन टमाटो से 14% की रेटिंग मिली हुई है।